हेलो दोस्तों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन फोर रसायन विज्ञान के अध्याय चार रासायनिक बल गतिकी के बारे में। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक बल गतिकी होता क्या है, इनमें किन किन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है जो बोर्ड के एग्जाम के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कहीं भी रासायनिक बल गतिकी पढ़ना होता है तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये एक भौतिक रसायन का भाग होता है। भौतिक रसायन इसका ये क्या होता है, एक भाग होता है। आप लोग पढ़े होंगे कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, उसी तरीके एक भौतिक रसायन होता है और उसी का पार्ट होता है रासायनिक बल गतिकी। मतलब इस रासायनिक बल गतिकी में हमको भौतिक कारणों के साथ साथ होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करना होता है। अगर कहीं पर भी रसायन शब्द आता है तो इस रसायन शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। अगर कहीं पर भी रसायन शब्द आ जाए तो इस रसायन शब्द का मतलब होता है परिवर्तन। अब आज तक आप लोगों ने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में। जैसे आप लोग के सामने मैं एक अभिक्रिया लिखने जा रहा हूं, आप लोग जैसे आप लोगों ने लिखा कि ए प्लस बी ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, सी। दो अभिकारक हैं, ए भी अभिकारक है, बी भी अभिकारक है, दोनों अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाए जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। अब इस ए अभिकारक का जो गुण होगा वो क्या होगा, बी से अलग होगा, और जो बी अभिकारक का गुण होगा वो क्या होगा, ए से अलग होगा। मतलब दो भिन्न गुण वाले अभिकारक मिलकर एक नए गुण का क्या करते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ये दोनों के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, और ये जो सी हमारा बना है ये क्या है, उत्पाद है। मींस दो नए गुणधर्म वाले अभिकारक मिलकर एक नए गुणधर्म का क्या बना दिए, उत्पाद बना दिए हैं। अब क्या आपने अभी तक जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं उनमें केवल आपने रिएक्शन के बारे में, अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। रासायनिक बल गतिकी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे कैसे होती हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं रासायनिक बल गतिकी में। अगर कोई पूछे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, तो इसके बारे में अध्ययन हम कहां करते हैं, रासायनिक बल गतिकी में। अब देखेंगे कि ये अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं, तो आइए उनको स्टार्ट करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए हमारे पास तीन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। पहला, रासायनिक अभिक्रिया की संभावना, रासायनिक अभिक्रिया की संभावना, संभावना। दूसरी होती है रासायनिक अभिक्रिया की सीमा, और तीसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग या लगा समय। अब देखिए तीनों चीजें क्या होती हैं। जैसे पहले वाले पॉइंट को हम लोग समझते हैं, मान लीजिए आप और आपके कोई दोस्त साथ में पढ़ रहे हैं, आप खूब पढ़ाई कर रहे हैं और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग दोनों लोग जाते हैं, ट्यूशन दोनों लोग पढ़ते हैं, स्कूल दोनों लोग जाते हैं, जहां भी आप लोग पढ़ते हैं। अब क्या होगा, आपने पढ़ाई ज्यादा की और उन्होंने पढ़ाई नहीं की, तो क्या होगा, आपके पास होने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिस दोस्त ने आपके पढ़ाई नहीं किया है उनके पास होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। तो वही चीज हमको देखना होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कहीं पर संभव है या नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की संभावना।
अब जैसे हम पास होने की संभावना लगा रहे थे पढ़ाई से, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया की संभावना आप लोगों को शायद ध्यान हो तो क्लास 11th में आप लोगों ने ऊष्मा गतिकी में पढ़ा था डेल्टा जी के बारे में। बिल्कुल सही, डेल्टा जी के बारे में। अगर इस डेल्टा जी का मान 0 से कम हो जाए तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? संभाव्य होती है, मतलब पॉसिबल होती है, संभव हो सकती है। तो पहला हम लोग देखें कि अगर कहीं पर संभावना बताना हो रासायनिक अभिक्रिया का, तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर डेल्टा जी का मान 0 से लेस होता है, कम होता है, तो वहां पर उस रासायनिक अभिक्रिया की संभावना होती है, वो रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। दूसरे के बारे में बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की सीमा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो किस सीमा तक हो रही है, उसका लिमिट क्या है, क्या वो अभिक्रिया फिर से दोबारा वापस हो सकती है, नहीं हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की सीमा के बारे में। और तीसरा जो हमको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस अध्याय में पढ़ना है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग या लगा समय। अब आप लोग पूछेंगे कि वेग तो समझ में आ रहा है, आपने समय क्यों लिख दिया है यहां पर? तो एक चीज बताइए, अगर किसी चीज का वेग ज्यादा रहता है, मान लिए हम लोगों ने कि कोई दो कार है, मैंने बोल दिया कार ए और यहां पर बोल दिया कार बी, अब इसको क्या करना है, एक्स बिंदु से वाई बिंदु पर दोनों को जाना है। अगर कार ए का वेग ज्यादा है और कार बी का वेग क्या है, कार ए का वेग अगर ज्यादा है और कार बी का वेग क्या है, कम है, तो क्या कार ए पहले पहुंचेगा या कार बी पहुंचेगा? आप लोग बताएंगे कि सर कार ए पहले पहुंच जाएगा और कार बी क्या होगा, बाद में पहुंचेगा, क्योंकि इसका वेग क्या है, धीमा है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो अगर कहीं पर समय ज्यादा लग जाता है, अगर कहीं पर समय क्या होता है, ज्यादा लगता है, तो वहां पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं मंद वेग की अभिक्रिया। और अगर कहीं पर अभिक्रिया का समय क्या लगे, अगर कहीं पर समय कम लगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो तीव्र वेग से होगा। अगर कहीं पर समय कम लगा है किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में, मतलब हम एक चीज पता कर सकते हैं, अगर समय कम लगा तो वो अभिक्रिया जल्दी हुई है, जल्दी होने का मतलब उस अभिक्रिया का वेग क्या है, ज्यादा है। तो यहां तक में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक को समझने में, तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या चीजें पढ़नी है। फोर्थ टॉपिक, अब हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया को समझ गए, अभिक्रिया में कौन कौन से कारक आते हैं उनको समझ गए। अब अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे, तो मान लीजिए हम यहां पर लिखें अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, और इस अभिक्रियाओं में मैंने लिख दिया पहला मैंने लिख दिया अगर हीरे से ग्रेफाइट का बनना, हीरे से ग्रेफाइट में परिवर्तन। आप लोग बोलेंगे क्या हीरे से भी ग्रेफाइट बनता है? बिल्कुल दोस्तों, ये आप लोग जब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर पता चलेगा कि हीरा में भी धीरे धीरे क्या होता है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने लगता है, ग्रेफाइट में बदलने लगता है। ये बहुत कम वेग की अभिक्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अति मंद अभिक्रिया। अभी आगे में इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। दूसरा हो गया फलों का पकना, फलों का पकना। अब फलों का पकना, माचिस का जलना, माचिस का जलना, तीन चीजों के बारे में यहां पर हम लोगों ने लिखा है। अब ये बताइए, माचिस को जब हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वहां पर समय ज्यादा लगता है या कम लगता है? तो आप लोग बोलेंगे कि माचिस को तो हम लोग जैसे ही जलाते हैं वो तुरंत जल जाता है। तो अगर अभिक्रिया तुरंत हमको दिखती है, जिसको हम लोग तुरंत पता कर लेते हैं, जो अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं
तीव्र वेग की अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया को होने में थोड़ा सा समय लगे उसको हम लोग बोलते हैं मंद वेग की अभिक्रिया, और जिसको होने में बहुत साल लग जाए, बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, उसको हम लोग बोलते हैं अति मंद वेग की अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाओं को हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे होती हैं वेग के आधार पर, तो आइए उसको समझते हैं। वेग के आधार पर अभिक्रियाएं, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं, हम लोगों ने देखा कि अभी तक जितनी अभिक्रियाएं हो रही थी वो सभी वेग के ही आधार पर चल रही थी, कोई तेज हो रही थी, कोई धीमे हो रही थी, कोई बहुत धीमे हो रही थी। तो वेग के आधार पर अभिक्रियाओं को हम लोग तीन पार्ट में, तीन भाग में बांटते हैं, और ये तीन भाग कौन कौन सा होता है? एक होता है तीव्र वेग की अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया, या इसी को बोलते हैं हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया, तात्क्षणिक अभिक्रिया। ये हम लोग की पहली अभिक्रिया होती है वेग के आधार पर। दूसरी अभिक्रिया के बारे में जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं मंद वेग की अभिक्रिया, मंद वेग की अभिक्रिया। और तीसरी के बारे में जब बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अति मंद वेग की अभिक्रिया, अति मंद वेग की अभिक्रिया। अब एक एक करके तीनों को देखेंगे कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो तीव्र वेग से चलती हैं और कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो मंद वेग से होती हैं, और ऐसी भी कुछ अभिक्रियाएं हैं जो काफी कम वेग से होती हैं, उनको बोलते हैं अति मंद वेग की अभिक्रियाएं। सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, आपको जितनी इसमें से जानकारियां हैं सभी मिलेंगी, कोई ऐसी जानकारी नहीं होगी जो आपको यहां से न मिले। जितना चीज आपको इसमें दिया रहेगा उतनी चीजों को पूरा पढ़ाया जाएगा, आप लोग को एक भी टॉपिक इसमें मिस नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तीव्र वेग की अभिक्रियाओं के कुछ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, और AgNO3 है। ये दोनों को जब हम आपस में क्या कर दिए, दो अभिकारक है, ये दोनों जब मिले तो ये क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे, और उस उत्पाद को यहां पर हम लिख रहे हैं NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। अब जब दो उत्पाद, दो अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद को बनाते हैं, मतलब NaCl मिला और AgNO3 मिला, सोडियम क्लोराइड मिला, सिल्वर नाइट्रेट मिला, और मिलकर दोनों ने क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट और प्लस सिल्वर क्लोराइड का एक नया उत्पाद बनाया। अब ये जो अभिक्रियाएं होंगी ये काफी तीव्र वेग की अभिक्रियाएं होती हैं, इनको होने में कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का समय लगता है, और इसी अभिक्रियाओं को, इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को जिसमें समय बहुत कम हो, इनको साधारणतया हम लोग माप नहीं सकते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं तीव्र वेग की अभिक्रिया। तो क्या तीव्र वेग की अभिक्रियाओं से आप लोग क्लियर हैं किसको तीव्र वेग की अभिक्रियाएं कहते हैं? जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल का इंजन द्वारा जलना, या जिसको हम लोग बोलते हैं केवल पेट्रोल का जलना, जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पेट्रोल वहां पर क्या होता है, जलता है, वो अभिक्रिया भी क्या होती है, बहुत तीव्र गति से होती है, जिसके वजह से हमारी गाड़ी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो पेट्रोल का जलना, माचिस का जलना, या आप लोग एक इस अभिक्रिया को भी ले सकते हैं। तो ये सारी अभिक्रियाएं हमारी किस गति की होती है, तीव्र गति की अभिक्रियाएं होती है। अब तीव्र गति के बाद कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो मंद गति की होती हैं, उस मंद गति की अभिक्रियाओं को हम लोग देखते हैं क्या होती हैं, कैसे अभिक्रियाएं यहां पर होना चाहिए उनको। तो मंद गति की अभिक्रियाओं को यहां पर लिखते हैं मंद गति, मंद गति मतलब बोलते हैं धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा
आप लोगों ने पढ़ा होगा H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब दहन किया जाता है, सॉरी हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन किया जाता है, अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना, दो पार्ट में टूटना। तो यहां पर अगर 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का जब अपघटन करेंगे तो ये टूटता है 2H2O+O2 में, और ये जो अभिक्रिया होती है ये अभिक्रिया कुछ धीमी गति से होती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग कौन सा नाम देते हैं, मंद गति की अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सेव लिया और इस सेव को क्या किया, आप लोगों ने काटकर दो पार्ट में इसको काटा और काटकर वैसे ही छोड़ दिया, तो आप लोगों ने देखा है कि इस पर कुछ टाइम में क्या होता है, कुछ रेड कलर का इस पे परत आने लग, मतलब रेड कलर आने लगता है, सेव हुआ, आलू हुआ, इन सभी पर क्या होने लगता है, एक रेड कलर का परत आने लगता है। सब्जियों का सड़ना हो गया, सब्जियां आप रखे हैं 2-4 दिन के बाद ये क्या हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो इन सब चीजों को हाँ अगर आप फ्रिज में नहीं रखें, नॉर्मली रखें, तो ये सब्जियां क्या होती है, कुछ टाइम बाद खराब हो जाती हैं। तो वो सब अभिक्रियाएं किस गति में होती हैं, मंद गति की अभिक्रियाओं में होती हैं, क्योंकि वो तुरंत नहीं हो सकती हैं। जिन अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम उसको महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये अभिक्रिया हो रही है या अभिक्रिया धीरे धीरे हुई है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं मंद गति की अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया आती है जिसको बोलते हैं अति मंद गति की अभिक्रिया, अति मंद गति की अभिक्रिया। अब अति मंद गति की अभिक्रिया जो होती है वो बहुत ही स्लो रेट से होती है, उसका जो गति होता है वो बहुत धीमा होता है, बहुत ज्यादा धीमा। जैसे हम लोग बात करते हैं अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम लोग नॉर्मल पानी बनने के लिए छोड़ दें तो वो नॉर्मल पानी इतना जल्दी नहीं बन सकता है, उसको बनने में बहुत सारा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये H2+ ½O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, और इस अभिक्रिया को होने में जो समय लगता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अति मंद गति की अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हीरा जब ग्रेफाइट में क्या होता है, बदलता है, तो हीरा का ग्रेफाइट में बदलना भी क्या होता है, एक अति मंद गति की अभिक्रिया होती है। हीरा को ग्रेफाइट में बदलने में बहुत ज्यादा समय लगता है, कुछ बहुत ही ज्यादा समय लगता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि यह अभिक्रिया कैसी है, अति मंद वेग की अभिक्रियाएं हैं, गति या आप इसको वेग भी बोल सकते हैं। तो तीन अभिक्रियाएं होती हैं, तीव्र, मंद और अति मंद गति की अभिक्रियाएं। अब इस तीनों को समझने के बाद आप समझ गए होंगे एक चीज कि जो रासायनिक बल गतिकी में हम लोग पढ़ते हैं वो जनरली वो सामान्यतया हम लोग वेग के बारे में ज्यादा बातें करते हैं। अब अभी हम बताए थे जब इसको वीडियो को स्टार्ट किया गया था तो बताए थे कि ये भौतिक रसायन का पार्ट है, तो इसमें कुछ भौतिक कारकों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और अब पूरे को यहां तक समझने के बाद हमको लगता है कि आप वेग से परिचित हो गए होंगे कि कैसे वेग पर यह निर्भर करता है। अब पूरी चीजों को एक साथ मिलाकर हम लोग रासायनिक बल गतिकी को समझ लेते हैं कि क्या होती हैं ये रासायनिक बल गतिकी अभिक्रियाएं। तो यहां पर भौतिक रसायन, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रियाओं के वेग तथा भौतिक कारकों, वेग तथा भौतिक कारकों, अभिक्रियाओं के वेग तथा भौतिक कारकों, जैसे क्या हो जाएगा, ताप हो जाएगा, दाब हो जाएगा, और फिर इसके बाद भौतिक कारकों के अलावा हम लोग बात करें उत्प्रेरक के अलावा सांद्रता, इन सभी पर अगर कोई अभिक्रिया
क्या करती है, निर्भर करती है, तो उसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। मतलब अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, तो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं के वेग तथा भौतिक कारकों में ताप दाब या उत्प्रेरक तथा सांद्रता पर जो निर्भर करे, और इस अभिक्रिया में उनके ऊर्जा के साथ क्या होता है, उनकी सांद्रता घटती है बढ़ती है, उत्प्रेरक जो वहां पर हम लोग लेते हैं उनके गति को बढ़ाता है घटाता है, इन सभी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ने का अध्याय हमारा होता है रासायनिक बलगतिकी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अभिक्रियाओं के वेग के बारे में, कि अभिक्रियाओं का वेग किस पर निर्भर करता है और कैसे कैसे उसको हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल आप लोग से पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने सुना होगा CH3COOH प्लस C2H5OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, और इस वाले को बोलते हैं हम लोग एथिल एल्कोहल, इस वाले को हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। अब ये बताइए CH3COOH जब एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, और बनाने के साथ साथ ये अभिक्रिया तीव्र गति की होगी या मंद गति की होगी। जिनको पता हो वो कमेंट जरूर करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये अभिक्रियाएं तीव्र गति की होती हैं या मंद गति की होती हैं। तो अगर इनका हम आपस में अभिक्रिया कराएं तो ये बनाती हैं CH3COO C2H5 + H2O। ये हमारी पूरी अभिक्रिया होती है। जब एसिटिक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ जुड़ता है तो CH3COO C2H5 और साथ में क्या बनाता है H2O। और ये अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि कैसी अभिक्रिया है तो आप लोग इसको बताएंगे कि ये मंद गति या मंद वेग की क्या होती है, अभिक्रिया होती है। और ये पेपर में एक नंबर में पूछ दिया जाता है कि मंद गति की अभिक्रियाओं का एक कोई हमको उदाहरण देकर समझा दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इस उदाहरण को वहां पर लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड कोई बताएगा कहां पर पाया जाता है, एसिटिक एसिड, एथिल एल्कोहल, एसिटिक एसिड या एथिल एल्कोहल। अगर कोई यहां पर बताना चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए कि एसिटिक एसिड कहां होता है और एथिल एल्कोहल कहां होता है। तो देखिएगा, जो आप लोग चौमिन में विनेगर या सिरका का यूज करते हैं उस सिरके में जो होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड। और जो हम लोग अभी कोरोना के टाइम में यूज किए हैं सैनिटाइजर, उस सैनिटाइजर में क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर क्या क्या यहां पर कारक निर्भर करते हैं। तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, देखिए अभिक्रिया के वेग को कैसे समझते हैं। अगर कहीं पर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में जो हम लोग के अभिकारक होते हैं उस अभिकारक से मिलकर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। इसी अभिकारक से उत्पाद के बनने का जो समय है उसी समय को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अगर यहां पर पूछ दिया जाए तो हम लोग बोल सकते हैं वह दर जिस पर अभिकारक से उत्पाद बन उत्पाद बनने में उत्पाद बनने में जितना समय लगता है, अभिकारक से उत्पाद बनने में जितना समय लगता है उसी दर को हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं, उसी दर को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। अब जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लिख देते हैं कि ए से बी मिलकर
हमारा क्या बना है सी। अब ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए, ये दोनों अभिकारक हो गए और अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो ए से बी तक अभी इन दोनों अभिकारकों के मिलने से उत्पाद तक बनने में कुछ ना कुछ जरूर समय लगा होगा। उसी समय को, जो समय लगा है उसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। इसमें दो चीजें हमको बताई जाती हैं कि अगर कहीं पर समय क्या हो, अगर कहीं पर किसी अभिक्रिया में समय कम लगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर किसी अभिक्रिया में समय क्या लगे, ज्यादा लगे, किसी अभिक्रिया में समय ज्यादा लगे तो वेग क्या होगा, कम होगा। इसी दो चीजों के बारे में हमको अभिक्रिया के वेग में पढ़ना होता है। अब अगर कहीं अभिक्रिया होती है तो ए प्लस बी का सांद्रता और सी के सांद्रता पर कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मान लीजिए ए और बी मिलकर क्या बना दिए, सी, इन दोनों को बोल दिए अभिकारक, अभिकारक, और सी को बोल दिए उत्पाद। जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो इस टाइम वेग के साथ, जैसे जैसे हम लोग अभिक्रिया के वेग को समझेंगे, अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ, समय के साथ कम होती जाती है, कम होती है, और जो उत्पाद होता है इसकी सांद्रता समय के साथ, इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है, इसकी सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। अब जैसे जैसे कहीं भी कोई अभिक्रिया होता है ना, तो समय जैसे जैसे हम लोग का बढ़ेगा, समय के बढ़ने के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और समय के बढ़ने के साथ साथ जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। आप लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को तो चाय बहुत पसंद है, जिनको जिनको पसंद होगा उन लोगों के लिए एग्जांपल, मान लीजिए आप लोग क्या किए, आप लोग के घर में दूध है, चीनी है और चाय पत्ती है, इन तीनों चीजों से मिलाकर आपने क्या बनाया, चाय बनाया। तो आपने इस दूध को, चीनी को, चाय पत्ती को लेकर क्या बनाया, एक चाय बनाया। अब ये जो तीनों आपके मिले हैं, चीनी, चाय पत्ती और दूध, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप चाय बनाना स्टार्ट करेंगे तो जितनी चीजों को आप यूज करेंगे उतनी चीजें क्या होंगी, घटना स्टार्ट हो जाएंगी, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीजों की मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। उनसे आपने क्या बनाया है, एक नए पदार्थ को बनाया, एक नए गुण धर्म का कोई पदार्थ बनाया है जो कि उत्पाद है। तो वैसे ही जब ए प्लस बी मिलेगा तो ये जैसे जैसे अभिक्रिया करता जाता है सी बनता है, बिल्कुल बनता है, लेकिन वैसे वैसे ए और बी का सांद्रता क्या होने लगता है, कम होने लगता है। ए और बी का सांद्रता कम होगा और सी का सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कम होने के वजह से आगे हम लोग देखेंगे कि एक ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, तो ये अभिकारक जो होता है इसकी सांद्रता समय के साथ क्या होती है, कम होती जाती है। इस वजह से हम लोग अभिकारक का जब हम लोग वेग पता करते हैं तो इसमें क्या लगा देते हैं, माइनस। अब देखते हैं कि अभिकारक के वेग को कैसे पता करते हैं, इसको समझने के लिए यहां तक आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए चीजें क्लियर हो चुकी हैं या नहीं।
अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय, अभिक्रिया में लगा समय। तो अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप, मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हो रही है, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी। जैसे जैसे अभिक्रिया होगी वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। तो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे अभिक्रिया में जो समय लगता है उसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग कैसे पता करते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक की सांद्रता में कमी, क्योंकि हमको पता है कि जैसे जैसे अभिक्रिया होती है अभिकारक की सांद्रता कम होती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, और बटे अभिक्रिया में लगा समय। अगर यही अभिकारक के जगह हमसे उत्पाद के रूप में पूछे तो हम क्या बताएंगे, अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया जब हुआ है तो उसके फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में जो वृद्धि हुई है बटे में अभिक्रिया में लगा जो समय होता है, उस पूरे के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। अभिक्रिया के वेग में आपसे केवल एक यही फॉर्मूला पूछा जाता है, और इसी पर हमारे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, जितने भी यांत्रिक प्रश्न आते हैं, वो सभी इसी पर आएंगे। अब कैसे होती है अभिक्रिया का, इसका मात्रक क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो हमको पता है कि अभिक्रिया के वेग में हम लोग उत्पाद देखें या अभिकारक देखें, दोनों में किसकी बात की गई है, सांद्रता की बात की गई है, मतलब दोनों की यहां पर क्या होगी, सांद्रता होगी। तो हम लोग लिख देते हैं सांद्रता बटे लगा समय, सांद्रता बटे समय, ये किसके बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। अब सांद्रता का मात्रक आप लोगों ने विलयन वाले अध्याय में बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, और नीचे में एक चीज और है समय, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सेकेंड। तो हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल लीटर माइनस वन और सेकेंड माइनस वन, मोल लीटर माइनस वन और सेकेंड माइनस वन, ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक होगा। किसका मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। मतलब अभिक्रिया के वेग से क्या पता चला, जब अभिक्रिया का वेग का हम लोग पता करते हैं, तो कोई अभिक्रिया जिस दर से जितने समय में होती है, मतलब उत्पाद क्या होता है, सांद्रता में वृद्धि होता है और अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, तो जिस दर से किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, उसी दर को जितने समय में होता है हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का वेग बोलते हैं। अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अभिकारक के रूप में पूछे तो सांद्रता में कमी बटे लगा समय, अगर उत्पाद के रूप में पूछे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे अभिक्रिया में लगा समय, यह हमारा होता है अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला। मात्रक क्या होगा, तो मोल लीटर माइनस वन और सेकेंड माइनस वन, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इनके बीच कुछ ग्राफ बनता है, जो थोड़ा सा बुक में हम लोग को कठिन लगता है पढ़ने में, इस वजह से अब देखते हैं कि इसके ग्राफ को कैसे बताएंगे। और अगर कहीं पर वेग पूछा तो क्लास इलेवेंथ आप लोग को याद होगा, इलेवेंथ का तो कोई अगर पढ़ा होगा तो उसको याद होगा, वेग के बारे में कितने प्रकार के वेग और चाल होते थे, तो आप लोग बताएंगे दो प्रकार के होते थे, एक को बोलते थे औसत और दूसरे को बोलते थे तात्क्षणिक वेग। तो औसत वेग के भी बारे में हमको यहां पर बात करना है और तात्क्षणिक वेग के भी बारे में बात करना है। उस वेग को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यहां पर इसके बीच ग्राफ कैसा बनता है, तो आइए देखते हैं। उन सभी को देखने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं
आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। ये आप देख सकते हैं कि 2022 की जो अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट निकला है उसमें टॉपर्स की लिस्ट यहां पर दी गई है। इनमें से जितने शुभम क्लासेस पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे उन सभी ने 95, 94, इवन 90, लास्ट हम लोग का इतने तक स्कोरिंग गया है परसेंटेज में। तो आप लोग देख सकते हैं, और कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो अपने जिलों में टॉप किए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर इन बच्चों के मार्क्स कैसे हैं। अगर आप भी 2023 के परीक्षा में इनके तरीके नंबर लाकर अपने भविष्य को बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, शुभम क्लासेस पर लगातार वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि यहां पर आपको हर चीज प्रोवाइड किया जाता है, लेक्चर के साथ साथ नोट्स और आपके जो डाउट्स रहते हैं उसके साथ साथ मॉडल पेपर को भी बताया जाता है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। आप देख सकते हैं कि यहां पर इनके रोल नंबर दिए गए हैं और इनके परसेंटेज को बताया गया है, 95%, 95%, 94% रोल नंबर भी इनके दिए गए हैं। सुजीत यादव, समीर मौर्य आप देख सकते हैं 93%, 93%, कृति वर्मा, सुंदरम यादव, इन लोगों के बारे में आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, और आप देख सकते हैं 90 से कम 83, 88 वाले भी यहां पर है। तो आप लोग अगर इस शुभम क्लासेस के चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये चैनल, ये जो टीम यहां की है वो आप लोगों के भविष्य के साथ बहुत यहां पर मेहनत करती है, ताकि आप लोग बढ़िया नंबर से क्या हो सके, पास हो सके और बोर्ड्स में अब इनके जगह 2023 में आपका नाम छपे, यही यहां पर होना चाहिए। अब क्या यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के मैसेज भी आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप उनके मार्क्स, यहां पर जूमिंग तो काफी ज्यादा नहीं हो सकता है, ब्लर आने लगते हैं फोटो, बाकी और भी आप आगे में स्लाइड्स देख सकते हैं। ये देखिए, ये टॉपर हैं जो अपने जिले में टॉप किए हैं। और अब बात करते हैं आपके लिए एक नए सरप्राइज का, जो केवल शुरू के 500 छात्रों के लिए लाया गया है। वो क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए, कि अगर आप लोग क्लास 12th का टॉप 100 और 100 बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 999 रुपए में आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे, 3 साल के पेपर और साथ ही साथ मॉडल पेपर को भी सॉल्व कराया जाएगा। आप केवल 999 रुपए में क्या कर सकते हैं, टॉप 100 बैच के साथ साथ 100 बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये केवल शुरू के 500 छात्रों के लिए है, और आप लोगों का नाम उस 95% वाले छात्र के जगह 2023 में आपका वहां फोटो, नाम और रोल नंबर होगा। तो आप लोग इसको परचेस कीजिए। आप लोग को परचेस करने के लिए क्या करना है, आप लोग को प्ले स्टोर पर जाना है और वहां से शुभम क्लासेस को और शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आप डायरेक्ट वहां से इस बैच को परचेस कर सकते हैं, या अगर आपको पेमेंट करने में अगर कोई समस्या आ रही है तो आप ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आप किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू, फोन पे, गूगल पे वगैरह के थ्रू आप इस पर पेमेंट कर सकते हैं, और कुछ ही समयों में आपको क्या कर दी जाएगी, सब्सक्रिप्शन यहां पर दे दी जाएगी, आप यहां पर पेड हो जाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको परचेस कीजिए जिससे आप लोगों की पढ़ाई और अच्छी हो सके। हम लोग चलते हैं अपने पहले के टॉपिक पर जहां पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे अभिक्रिया के वेग के बारे में। तो अब थोड़ा इनके ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ इनका कैसे बनता है। तो यहां पर लिख देते हैं सांद्रता, और यहां पर लिख देते हैं समय। अब क्या हुआ है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये हम लोग का एक ग्राफ ऐसे जाता है और एक ग्राफ क्या होता है, ऐसे जाता है। अब ये बताइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफ में कि अगर कोई ग्राफ नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ आने का मतलब, नीचे की तरफ आने का मतलब वो घटता है। और हम बताए थे कि अभिक्रिया के वेग में कौन घटता है, तो आप लोग बोलेंगे अभिकारक, बिल्कुल सही।
ये जो नीचे की तरफ ग्राफ आया है ये किसका है? अभिकारक का है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? कम होती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो आपसे अगर पूछ दे सांद्रता और समय में ग्राफ, तो आप बताएंगे कि अभिकारक का ग्राफ क्या होता है? ऋणात्मक स्लोप या प्रवणता की तरफ जाता है, जबकि उत्पाद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? धनात्मक होता है। ये अभिक्रिया के वेग में आपको क्या बताया जाता है? इनके बीच सांद्रता और समय के बीच ग्राफ को पूछा जाता है। अब इसके अलावा आपका जो अभिक्रिया के वेग में फॉर्मूला आता है औसत वेग का, अभिक्रिया का वेग में जो एक नया फॉर्मूला आता है औसत वेग का। अब बात हुआ औसत वेग को हम कैसे बताएं, तो ध्यान होगा तात्क्षणिक वेग, औसत वेग जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, अगर औसत वेग आता था तो हम लोग उसको डेल्टा से वहां पर दर्शाते थे और तात्क्षणिक को डी से दर्शाते थे। उसी चीज को यहां पर करना है। औसत वेग क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में कमी, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगा समय। यह हमारा क्या होगा? अभिकारक के रूप में अगर हमसे पूछ दिया जाए कि औसत वेग का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगा समय। और अगर यही पूछ दिया जाए उत्पाद के रूप में, तो हम लोग बताएंगे उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे लगा समय। अब अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, तो हम लोग यहां पर क्या लगाते हैं? कुछ ऐसा चीज करते हैं कि ये हमारा वैल्यू क्या बन जाए? प्लस बन जाए। और ये वृद्धि हो रहा है तो ये तो पहले से ही प्लस रहेगा, अब कमी हो रही है तो माइनस तो रहेगा ही। अगर कोई चीज कम होता है तो वो माइनस होता है। अगर हम यहां एक और माइनस लगा देते हैं तो ये पूरा हमारा जो वेग होता है, ये पूरा फॉर्मूला जो होता है उसका जो हम लोग आंसर प्राप्त करते हैं वो किसमें हो जाएगा? प्लस में। एक तो पहले से कमी हो रहा है, एक बाद में भी माइनस आ गया है। ये माइनस इसलिए लगाया गया है कि ये पूरा हमारा समीकरण क्या हो सके, जो भी हम लोग यहां पर समीकरण लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं, उसका वेग किसमें आ सके? प्लस में आ सके। इस वजह से हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। और औसत वेग का ये आपका मेन फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। अब इस औसत वेग के फॉर्मूले को आप किसी एग्जाम्पल के ही हेल्प से समझ सकते हैं। अगर हमको यहां पर एक एग्जाम्पल ले लें तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझ गए। तो अब देखते हैं कि इसका औसत वेग का फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या होता है, उन सभी चीजों को यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं। औसत वेग में आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या अभी तक फॉर्मूला जो सूत्र बताया गया है, जो अभिक्रिया जो औसत वेग का मात्रक बताया गया है, जो ग्राफ बताया गया है, क्या वो सारी चीजें आपको क्लियर है? तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मान लीजिए कि हमारा T1 समय पर कोई अभिक्रिया हो रहा है, जैसे A प्लस B मिलकर कोई उत्पाद C बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि T1 समय पर जो हमारे पास अभिकारक है वो कितना है? R1। और T2 समय पर जो हम लोग के पास अभिकारक है वो क्या है? R2। अब इस R1 R2 इसका बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अगर T1 समय जो है, जो प्रारंभिक समय है, उसमें हमारे पास अभिकारक कितना बचा हुआ है? R1। और जैसे जैसे समय बढ़ा अभिकारक कम हो गया, अब हमारे पास अभिकारक कितना बचा है? R2 बचा है। अब क्या करेंगे? जैसे जैसे अभिकारक कम होगा वैसे वैसे उत्पाद हमारा बढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि T1 समय पर हमारे पास उत्पाद कितना है? P1। और T2 समय पर उत्पाद कितना है? P2। अब हम लोग देखेंगे कि परिभाषा क्या होती है, तो फिर से हम लोग यहां पर लिख देते हैं
अभिक्रिया का वेग। और अब अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला आप लोग के सामने आएगा जिससे कि आप लोगों को सवाल दिया जाता है। यहां R1 से R2 हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन मतलब होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक। यहां पर लिख देते हैं डेल्टा अगर कहीं आए तो इसका मतलब होता है परिवर्तन, और परिवर्तन में हम लोग लिखते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये चीज होता है परिवर्तन या डेल्टा का मतलब। अब अभिक्रिया का वेग पहले हम लोग अभिकारक के आधार पर बताएंगे और फिर किसके, उत्पाद के आधार पर बताएंगे। तो अगर अभिकारक के आधार पर बताना हुआ तो हम लोग लिखेंगे R और यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस बटे डेल्टा T। अब आप लोग बोलेंगे कि ये यहां माइनस क्यों लगाए, तो मैं फिर से बता रहा हूं कि जो अभिकारक है वो क्या हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है, इस वजह से मैंने क्या लगा दिया है, माइनस। और यहां पर अगर पूछा जाए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी बटे में डेल्टा टी, और ये किस साइन के साथ रहेगा, प्लस के साथ। अभिक्रिया के वेग का फॉर्मूला हम लोग बता रहे हैं कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, माइनस डेल्टा का मतलब मैंने क्या बताया है, परिवर्तन। तो यहां पर परिवर्तन कहां से कहां होगा, तो परिवर्तन R2 से होगा और कहां तक होगा, R1। अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम हम लोग का अभिकारक क्या था, R2, प्रारंभिक क्या था, R1, और बटे में क्या है, लगा हुआ समय डेल्टा टी है। ये अभिक्रिया का वेग हो गया किसके आधार पर, अभिकारक के आधार पर। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं अभिकारक, अभिकारक के आधार पर। अब दूसरे के बारे में बात करते हैं, डेल्टा पी के बारे में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा और पी क्या है, पी टू माइनस पी वन है, तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, पी टू माइनस पी वन बटे डेल्टा। तो ये हमारा दो फॉर्मूला हो गया, एक P2 के साथ हो, एक P के साथ हो गया मतलब उत्पाद के साथ हो गया, एक R के साथ हो गया मतलब अभिकारक के साथ हो गया। अब आप लोग पूछेंगे R और P क्यों लिखे, तो R मतलब होता है रिएक्टेंट, जिसको बोलते हैं अभिकारक, इस वजह से R दिया जाता है, और P मतलब होता है प्रोडक्ट, जिसको उत्पाद बोलते हैं, उसके लिए हम यहां पर पी का यूज करते हैं। अभिक्रिया का वेग अब क्या हो गया, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब इस आर को अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखें, तो हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, अंतिम जो अभिकारक का मान था उसको आर टू को, माइनस जो प्रारंभिक अभिकारक का मान था उसको, और बटे में क्या लिख देंगे, लगा समय डेल्टा टी, ये अभिकारक के आधार पर। और अगर हमसे पूछ दे कि बताइए उत्पाद के आधार पर क्या होगा, तो डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, हम बताए थे सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय, और ये किसके साथ होगा, ये प्लस के साथ होगा। तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब उत्पाद में परिवर्तन क्या है, पी टू अंतिम है और पी वन क्या है, प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, और लगा समय कितना है, डेल्टा है। तो इस पूरे को हम लोगों ने क्या कर दिया, अभिक्रिया के वेग के फॉर्मूला के रूप में यहां पर इस्तेमाल कर लिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी हमको सवाल दिया जाता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहां तक यह फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब इस पर मैं केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसी से आप लोगों को समझना होगा कि कैसे होगा यहां पर। तो आप लोग यहां तक अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए समझ में चीजें आई या नहीं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक एग्जांपल पर। जैसे हम लोगों ने ले लिया Hg प्लस Cl2, ये क्या बना दिया मिलकर HgCl2। एक और एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया N2 प्लस
3H2 दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिए, 2NH3, दोनों कंबाइन होकर क्या बना दिए, 2NH3। अब क्या होगा यहां पर, कैसे ये कंबाइन होंगे, दोनों का रासायनिक अभिक्रिया तो दिख गया, कैसे अभिक्रिया के वेग को हम लोगों को लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वेग किसका, अभिक्रिया का। कैसे लिखेंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम अभिकारक के रूप में लिखते हैं, तो ये बताइए अभिकारक यहां पर Hg कितना है, एक है, क्लोरीन कितना है, एक है, तो हम एक और एक को ही लिखेंगे। यहां पर हो जाएगा डेल्टा Hg, ये किसके साथ, माइनस के साथ, बटे डेल्टा T बराबर। Cl2 भी अभिकारक है, हम बताए थे जितने अभिकारक रहेंगे उन सभी का सांद्रता घटेगा, तो माइनस डेल्टा Cl2 और बटे में डेल्टा T, ये दोनों हमारे अभिकारक हो गए। अब उत्पाद पे चलते हैं, तो उत्पाद में हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद का सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है, उत्पाद की सांद्रता कम नहीं होती है। अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा HgCl2 बटे में डेल्टा T। और अगर हम दूसरे वाले का बात करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका कितना आंसर होता है, N2 plus 3H2 दोनों मिलकर 2NH3 बनाते हैं, देखते हैं इसका। तो इसका हो जाएगा N2 के पास एक है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा N2 और बटे में डेल्टा T, ये किसके साथ, माइनस के साथ, क्योंकि क्या है, अभिकारक है। अब दूसरे को लिखेंगे तो माइनस, अब यहां पर H2 का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है, तो अब हम लोग लिखेंगे 1/3। अगर कोई भी नंबर यहां पर दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 1/2 के रूप में लिखते हैं। अब यहां पर किसका है, H2 का है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा H2 और बटे में डेल्टा T बराबर। अब 2NH3 है, तो ये उत्पाद बना है, उत्पाद बनने का मतलब किस में होगा, प्लस में होगा, और इसको लिख देंगे 1/2 डेल्टा NH3 और बटे में डेल्टा T। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस अभिक्रिया के वेग के लिए ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और इस अभिक्रिया को हम लोग इस रूप में लिखेंगे। यहां तक आप लोगों का औसत वेग का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो यहां आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमको याद रखना है, अभिकारक आया तो माइनस, उत्पाद आया तो प्लस, कैसे लिखेंगे, डेल्टा के रूप में लिखेंगे। और सबसे एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर कहीं ये चिन्ह बना हुआ है तो ये हमको क्या बताता है, तो इस चिन्ह का मतलब होता है सांद्रता, क्या होता है, सांद्रता। अब ये बताइए, हर जगह हमने इस ब्रैकेट का यूज किया है, इस ब्रैकेट का मतलब हो गया सांद्रता किसका, तो इसमें कौन है, Hg, तो हम लोग बोलेंगे मरकरी का सांद्रता, और यहां पर क्या लिखा है, परिवर्तन, मतलब मरकरी की सांद्रता में परिवर्तन। यहां पर Cl2 के साथ ये लगा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये सांद्रता किसका, Cl2 का, क्लोरीन का, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, तो क्लोरीन की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। ये उत्पाद में आ गए, तो ये किसके साथ लगा है ब्रैकेट, HgCl2 के साथ लगा है, मतलब HgCl2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। यहां तक आपका अभिक्रिया का वेग औसत वेग के रूप में जितनी चीजें थी, जिस रूप से, जिस हिसाब से आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको केवल इसको याद करना रहता है, अगर इसको याद कर लिए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज औसत वेग के बारे में बता दिया गया है, कल के क्लास में, जो कि कल का और भी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है, उसमें आपको बताया जाएगा तात्क्षणिक वेग के बारे में, और इस अभिक्रिया के वेग को आप लोग आज रिवाइज कर लीजिएगा, और कल जो पढ़ाया जाएगा उसमें इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे, जो आज समझे हैं, जो लोग कल नए आएंगे, फिर उसके बाद तात्क्षणिक का बात करेंगे, और कुछ इनके क्वेश्चंस, जो इनके सवाल होंगे, वो हम आप लोगों के सामने लाएंगे, और उसको आप लोगों को करना होगा। तो बने रहिए आप लोग हमेशा के लिए शुभम क्लासेस के चैनल पर।
जो आप लोगों को, आप लोगों के पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाला है। आपको ये हर चीजें यहां पर लेक्चर, वीडियोस के साथ साथ नोट्स और उसी के साथ साथ मॉडल पेपर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप शुभम क्लासेस, जो कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए नंबर वन चैनल प्रभावी रूप से आप देख सकते हैं, वो यहां पर बन रहा है। तो आप लोग इस पर बने रहिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।